हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेट प्लस टीचिंग एग्जाम। स्वागत है फिर से आपका ग्रेट प्लस टीचिंग एग्जाम में। कुछ क्लासेस इधर डिले भी हुई, किन्हीं वजहों से हो भी नहीं सकी। मोस्ट प्रोबेबली आप अपनी प्रैक्टिस में लगे ही होंगे। डेफिनेटली 18th एग्जाम की बात हो रही है। कुछ कुछ और भी चीज़ें, कुछ बातें ऐसी कही जा रही है, लेकिन कोई नहीं, आप अपना काम करते रहिए, ठीक है। हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। 9 से 10 की क्लास अभी फिलहाल चले, जितने दिन भी अभी बचे हैं 2-3 दिन, उस पर हम 9 से 10 की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो सेशन है आपका पेपर फर्स्ट के लिए, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरीके से उसको आप ऑप्ट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्क्रीन पर। क्या इन जनरल इट सीम्स दैट द स्कूल्स हैव बिकम द प्लेस ऑफ पॉलिटिक्स इंस्टेड ऑफ टीचिंग इन मॉडर्न एज। सपोज यू गेट अपॉइंटमेंट इन सच अ स्कूल, व्हाट वुड यू डू इन दिस सिचुएशन, ठीक है। मतलब यहां पर बात हो रही है कि यहाँ पर बात है कि ऐसा लगता है कि आधुनिक युग में आधुनिक युग में स्कूल पढ़ाई के बजाय राजनीति का अड्डा बन गए हैं। मान लिया जाए आपको ऐसे स्कूल में नियुक्ति मिल जाए, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे। मतलब कोई भी जो टीचर है, किसी को अगर ऐसी जगह पर नियुक्ति मिलती है, तो ऐसी स्थिति में टीचर के द्वारा क्या किया जाएगा। यू विल एक्सेप्ट द मेंबरशिप ऑफ द एक्टिव पॉलिटिकल ग्रुप, यू विल बी कंटिन्यूइंग टू मेक फेवरेबल एफर्ट टू सो दैट टीचिंग एनवायरमेंट कैन बी रिटेन्ड इन स्कूल। यू विल फ्री योर सेल्फ फ्रॉम पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड प्रेशर। यू विल ट्राई टू क्रश द टीचर्स पॉलिटिक्स विथ द हेल्प ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है, अगर आप ऐसी जगह कहीं पर आपको नियुक्ति मिल जाती है जहां पर पूरा एक राजनीति का अड्डा चल रहा है आज करके, अगर हम बात करें स्कूल कॉलेजेस को लेकर के, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। आपकी नियुक्ति नई नई हो रखी है, तो आप क्या करेंगे। यू विल फ्री योर सेल्फ फ्रॉम पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड प्रेशर। किसी भी तरीके के राजनीतिक मुद्दों में आप अपने आप को इन्वॉल्व न करके आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे और खुद को इस तरीके के किसी भी प्रेशर से मुक्त रखेंगे, ठीक है। तो ये इसका सबसे सही आंसर होना चाहिए, जितने भी आंसर ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2? सपोज अ फ्यू टीचर्स आर, क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज फ्यू टीचर्स आर बिजी इन क्रैकिंग फल्दी जोक्स ड्यूरिंग देयर लेजर टाइम, ठीक है, इन स्कूल। इस तरीके के भी बहुत से प्रश्न यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, जो बेसिकली हम अभिक्षमता की बात करें, अगर शैक्षिक या शिक्षण अभिक्षमता की बात करें, तो थोड़ा ट्रिकी से होते हैं। मीनिंग कि आपको थोड़ा सा उस पे गौर करके ऐसा लगता है कि सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं इस तरीके के प्रश्नों में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होता है उसे हमें चुनना होता है, ठीक है। सपोज अ फ्यू टीचर्स आर बिजी इन क्रैकिंग फिल्दी जोक्स ड्यूरिंग देयर लेजर टाइम इन स्कूल। यू आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द ग्रुप बट अनेबल टू स्टॉप देम, व्हाट वुड यू लाइक टू डू टू अवॉइड इट। मान लीजिए आप किसी मान लीजिए आपको शिक्षक स्कूल में अपने खाली समय, आप जहां भी पढ़ाते हैं उस स्कूल में खाली समय के दौरान कुछ शिक्षक गंदे चुटकुले सुनाने में व्यस्त हैं, आप भी उस समूह के सदस्य हैं लेकिन उन्हें रोकने में असमर्थ हैं। ऐसे बचने के लिए आप क्या करेंगे। यू पर्स्यूड देम नॉट टू वेस्ट देयर लेजर टाइम इन फिल्दी जोक्स। यू चेंज द ग्रुप और लिव इन द आइसोलेशन बिकॉज यू डोंट रिलिश इट। यू इंस्ट्रक्ट देम टू माइंड देयर लैंग्वेज वाइल क्रैकिंग जोक्स इन स्कूल। यू क्रिटिसाइज रिमाइंड देम टू देयर नोबल प्रोफेशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप भी उनके ग्रुप के सदस्य हैं, तो आप उनको इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप उनको इवन, अब जब ग्रुप वही है, एक ही स्कूल है, उसी स्कूल में रहना है, तो आप ग्रुप भी नहीं बदल सकते हैं। तो वट विल यू डू, यू प्रस्यूड देम नॉट टू वेस्ट देयर लेजर टाइम इन फंडी जोक्स। मतलब उन्हीं के नुकसान को बताते हुए आप चीज को सही कर सकते हैं, तो जो पहला है ऑप्शन वो इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इफ स्टूडेंट्स एलिस्ट यू फॉर मेकिंग फेवरेटिज्म इन इवैल्यूएशन, हाउ कैन यू डील विथ दिस प्रॉब्लम।
यदि छात्रों ने आप पर मूल्यांकन में पक्षपात करने का आरोप लगा दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर छात्र जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आप पर एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपने इवैल्यूएशन करने में कहीं ना कहीं पक्षपात किया है, ऐसे में आप क्या करेंगे? गिविंग थ्रेट टू फेल देम, मेकिंग एफर्ट्स टू रिवील द पोजिशन फेयरली, एडॉप्टिंग पनिटिव मेजर्स, शोइंग दी स्टूडेंट्स आंसर बुक्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देम। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जहां कहीं पक्षपात की बात आ रही है, तो आप उन स्टूडेंट्स को जो कि ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं, उनको उनकी आंसर बुकलेट दिखा करके उनको किसी न किसी रूप में सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ यू ज्वाइन योर क्लास ऑन, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ यू ज्वाइन योर क्लास ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ ओपनिंग दिस सेशन एंड टेक इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंट्रोडक्शन फॉर यू विल बी, क्या होगा? मतलब यदि आप सत्र शुरू होने के पहले दिन ही अपनी कक्षा में शामिल होते हैं, पहला दिन है, सत्र शुरू हो रहा है और पहले दिन आप अपनी कक्षा में जाते हैं और छात्रों का परिचय लेते हैं, तो इस परिचय का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? जो भी इंट्रोडक्शन आप बच्चों से ले रहे हैं, तो इसका बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? एक्सप्लोरेशन ऑफ पोटेंशियल स्टूडेंट्स हु सर्व यू थ्रू आउट द सेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस विद द स्टूडेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, सिलेक्शन ऑफ दोज स्टूडेंट हु कैन डू द स्कूल जॉब फॉर यू, टू नो अबाउट स्टूडेंट्स पोटेंशियलिटीज अलॉन्ग विद देयर फैमिली स्टेटस। जो सही आंसर होगा, टू नो अबाउट स्टूडेंट्स पोटेंशियलिटीज अलॉन्ग विद देयर फैमिली स्टेटस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भी हो सकते थे, लेकिन हमको इनको इन्हें 4 ऑप्शंस में से ही एक को सही समझना या चुनना है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सपोज यू आर चेकिंग स्टूडेंट्स आंसर बुक्स, ऑल ऑफ दिस सडन यू हैव फिनिश्ड रिफिल, यू कॉल अ स्टूडेंट एंड ऑर्डर हिम टू ब्रिंग अ रिफिल, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन सच अ सिचुएशन? ऐसे में क्या करेंगे? आप कॉपी चेक कर रहे हैं और आपके पास जो पेन है उसकी रिफिल, रेड रिफिल खत्म हो जाती है, आप किसी बच्चे को बुलाते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो फिलहाल अगर ये सिचुएशन आती है तो क्या करना चाहिए किसी भी शिक्षक को? पहला है, यू विल गिव हिम रिक्वायर्ड मनी फॉर द पर्पस, यू विल रिटर्न द मनी व्हेन स्टूडेंट शो कर्टसी गेस्चर एंड यू थिंक दैट स्टूडेंट्स मनी इज टीचर्स ओन मनी, यू विल फील अशेम्ड व्हेन यू विल बी पेइंग फॉर सच अ स्मॉल अमाउंट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली यू विल क्या, आप क्या करेंगे? यू विल गिव हिम रिक्वायर्ड मनी फॉर द पर्पज। आप उससे काम तो करा रहे हैं, जो भी काम है उसको करा रहे हैं, लेकिन आप उससे संबंधित जितना भी अमाउंट लगता है, जो भी आप मंगा रहे हैं, उससे उतना जो पैसा है, मनी है, वो आप उसको देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज द डेली रूटीन दैट सम स्टूडेंट्स ब्रिंग अनडिजायरेबल फूड आइटम्स, इट इज द डेली रूटीन दैट सम स्टूडेंट्स ब्रिंग अनडिजायरेबल फूड आइटम्स फ्रॉम द स्कूल गेट, यू आर फुल ऑफ सॉरो टू सी दिस कंडीशन ऑफ योर स्टूडेंट्स, व्हाट इज इट्स रेमेडी, क्या करेंगे ऐसे में? या आप रोज ऐसा कर रहे हैं, आप रोज स्कूल कॉलेज जा रहे हैं अपने, ऐसे में आप देखते हैं कि दिनचर्या है कि कुछ विद्यार्थी विद्यालय द्वार से अवांछनीय खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, आप अपने विद्यार्थियों की ये हालत देखते हैं, दुख से भर जाते हैं, इसका क्या उपाय है? ऐसा अनहेल्दी फूड जो है आप बच्चों को जब खाता हुआ देखते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो क्या करेंगे? यू विल फोर्स टू लीव दी पेडलर्स ऑफ ईटेबल फ्रॉम द स्कूल गेट, यू विल फोर्स द स्टूडेंट टू रिमेन विद इन द गेट एंड इन्फॉर्म द प्रिंसिपल अनाउंसिंग ऑन द प्रेयर ग्राउंड इन द मॉर्निंग आस्क देम टू अवॉइड सच प्रैक्टिसेस। तो आप क्या करोगे, डेफिनेटली इस जगह पर प्लेग्राउंड में, या जब भी क्या होगी, प्रेयर होगी, उस जगह पर आप अनाउंस करोगे कि ऐसा ना करें, या ऐसी कोई भी हैबिट अपनी प्रैक्टिस में लेकर के ना आए अनहेल्दी फूड को खाने के, क्योंकि ये ठीक नहीं है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, इट इज अ फेमस सेइंग, इट्स कंट्रीब्यूशन इन मॉडर्न क्लासरूम सर्व्स आवर पर्पस इन, मतलब ये है कि बच्चे को दुलार में बिगाड़ देना यह एक मशहूर कहावत है। आधुनिक कक्षा कष्ट में इसका योगदान हमारे उद्देश्य को पूरा करता है। ठीक है, मतलब बच्चों को दुलार में बिगाड़ देना यह एक मशहूर कहावत है। आधुनिक कक्षा कक्ष में इसका योगदान हमारे उद्देश्य को पूरा करता है। तो किस रूप में ये पूरा कर रहा है? बेसिकली ये सबसे एक खराब तरीका है, मतलब वर्स्ट वे है ऐसा मानना समझना या इस तरीके से कहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इन टीचिंग, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन टीचिंग इफ नथिंग हैज बीन लर्न, नथिंग हैज बीन मतलब यह है कि शिक्षण में यदि कुछ भी नहीं सीखा, मतलब अगर शिक्षण हो रहा था वहां पर हमने कुछ भी नहीं सीखा है, तो उत्तर देना सीखा गया, तो मतलब क्या इसका मीनिंग हुआ? अगर हमने कुछ नहीं सीखा, इट मीन्स कि नथिंग हैज बीन टॉट, इसका मतलब है शिक्षण नहीं हुआ या कुछ भी पढ़ाया नहीं गया, कुछ भी सिखाया नहीं गया। कुछ नहीं सीखा तो मीनिंग कि कुछ भी नहीं सिखाया गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एक्सेप्टेबल लर्निंग में, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम स्वीकार्य सीखना हो सकता है, मतलब कब हम कहेंगे कि सबसे कम सीखा गया है। बी एक्वायर्ड विदाउट इंटेंट, अकर इंडिपेंडेंटली ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, बी डिटरमिनेंट टू द इंडिविजुअल, टेक प्लेस विदाउट ऑपरेशन ऑफ मूव्स एंड गोल्स। तो सही आंसर आपके लिए जो होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 10th देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10th है, एज टीचर वी शुड थिंक ऑफ आर वर्क इन टर्म्स ऑफ, एक शिक्षक के रूप में या यदि हम शिक्षक हैं या शिक्षक होने के नाते हमें अपने काम के बारे में सोचना चाहिए। सिस्टमैटिक ड्रिल की तरह द मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर है, हियरिंग लेसन रिसीटेड है और चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम टीचर हैं तो एज टीचर वी शुड थिंक ऑफ आर वर्क इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारा जो काम हो बेसिकली इस तरीके से हो जिससे कि बच्चे की वृद्धि और विकास दोनों ही हो, इस तरीके से शिक्षण कराया जाए और बच्चों की लर्निंग भी इस तरह से हो। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11। 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स डेमोक्रेसी इन द क्लासरूम, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, लोकतंत्र की बात हो रही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि डेमोक्रेसी को शो करता है। अलाउइंग चिल्ड्रन टू सिट सिट वेयर दे वॉन्ट टू वेयर दे वॉन्ट एंड वर्क विथ होम दे प्लेस। ठीक है, अलाउइंग चिल्ड्रन फ्रीडम टू दी ऑब्जर्वेंस ऑफ क्लास रूम रूल्स एंड रेगुलेशन, अलाउिंग द क्लास टू डिसाइड दी करिकुलर एक्सपीरियंसिस ऑफ द क्लास रूम, अलाउिंग दी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास रूम एक्टिविटीज। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? सी ऑप्शन देखिए, अलाउिंग द क्लास टू डिसाइड दी करिकुलर एक्सपीरियंसिस ऑफ दी क्लासरूम, तो सबसे सही है अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा, कक्षा कक्ष के पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों को तय करने की अनुमति देना, मतलब उन बच्चों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लर्निंग इम्प्लाइज समथिंग इन द इंडिविजुअल, मतलब सीखना व्यक्ति में कुछ ना कुछ निहित करता है। किस तरीके से, किस निहित करने की बात है, मतलब कोई ना कोई एक तरह से उसके अंदर कोई ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा, तब हम कहेंगे कि उसकी लर्निंग हुई है या सीखना हुआ है। तो क्या हो सकता है? एक्वाइर्ड बाय, अकरिंग टू और अकरिंग विद इन एंड एब्जॉर्ब बाय, मतलब सीखना व्यक्ति में कुछ ना कुछ निहित करता है। तो क्या निहित से का मतलब है क्या? एक तरह से परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, ये पूछा जा रहा है। तो सही बात जो हो जाएगी वो हो जाएगी अकरिंग विद इन, मीनिंग भीतर घटित होना। जब भी कुछ सीख रहा है बच्चा या सीख गया है तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा उसके अंदर घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि आधुनिक शिक्षा में रूसो का प्रमुख योगदान क्या था, रूसोज मेजर कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न एजुकेशन वॉज, क्या था आधुनिक योगदान? एग्रीकल्चरल स्कूल था, किंडरगार्टन था, फिलेनेथेरेपी था या फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म था। किसकी बात हो रही है? रूसो की बात हो रही है। ठीक है, तो इनका योगदान अगर हम बात करें
कि मॉडर्न एजुकेशन में क्या था, तो इनका योगदान था फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद का दर्शन। प्रकृतिवाद को लेकर के रूसो ने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ कहा, और शिक्षा भी बच्चों को उनकी प्रकृति के अनुसार जो है दी जानी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। प्राकृतिक परिवेश में दिए जाने की आवश्यकता है बच्चों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14। When Locke spoke on tabula rasa, he referred to his belief that, जब लॉक ने टेबुला रस की बात की तो उन्होंने अपने विश्वास का उल्लेख किया, किस बात को ध्यान में रख करके। द डॉक्ट्राइन ऑफ इनेट आइडियाज इज एसेंशियली करेक्ट, द ऑर्गेनिज्म रिएक्ट्स एज अ होल टू स्टिमुलस, द माइंड स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच इन गैदरिंग सेंस डेटा, द माइंड इटसेल्फ इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। तो क्या सही होगा इसको लेकर के कि द माइंड, जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका फोर्थ आंसर, द माइंड इटसेल्फ इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग टीचर, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग टीचर, या शुरुआती शिक्षक की सफलता के पीछे, जो मतलब शुरुआत में जो अपना करियर शुरू करते हैं शिक्षक के रूप में, शुरुआती शिक्षक की सफलता के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारक होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा आपका हिज पर्सनालिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास, हिज एटीट्यूड एंड आउटलुक ऑन लाइफ, हिज वर्बल फैसिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, हिज स्कॉलरशिप एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। सही आंसर क्या हो जाएगा, हिज पर्सनालिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट दी क्लास, मतलब उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका व्यक्तित्व है, और कक्षा में जुड़ने का जो उसका एक अपना हुनर होगा, बेसिकली ये उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्लेटोज थ्योरी कॉल्ड फॉर एन एजुकेशनल प्रोग्राम इन विच, प्लेटो के सिद्धांत में एक शैक्षिक कार्यक्रम का आह्वान किया गया, वो शैक्षिक कार्यक्रम क्या था। द शैक्षिक कार्यक्रम क्या था, कहा जा रहा है कि प्लेटोज थ्योरी कॉल्ड फॉर एन एजुकेशनल प्रोग्राम इन विच द अनफिट वेयर टू बी एलिमिनेटेड एंड द फिट लोकेटेड। ठीक, एजुकेशन वॉज लाइफ इटसेल्फ, नॉट अ प्रिपरेशन फॉर इट, द वैलिडिटी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन हिज डिडैक्टिक फॉर रूलर्स एंड हिज साइंस वॉज फॉर वर्कर्स, हिज डिडैक्टिक फॉर रूलर्स, मतलब जो सही बात होगी। यहाँ पर कहा गया है कि प्लूटो के सिद्धांत में एक शैक्षिक कार्यक्रम का आह्वान किया गया, तो बेसिकली वो कौन सा था, तो वो था द अनफिट वर टू बी एलिमिनेटेड एंड द फिट लोकेटेड, अयोग्य को हटा दिया जाना चाहिए था और उपयुक्त का पता लगाना चाहिए था, जो अयोग्य है उसको हटाना और जो योग्य है उसको उसकी जगह पर फिट करना या बिठाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। द बेस्ट वे टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर दी ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट स्टेप इन द एजुकेशनल लेडर इज टू, मतलब शैक्षिक सीढ़ी की अगर बात करें, शैक्षिक सीढ़ी में अगले चरण में परिवर्तन के लिए छात्रों को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है। द बेस्ट वे टू प्रिपेयर स्टूडेंट, द बेस्ट वे टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर दी ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट स्टेप इन दी एजुकेशनल लीडर लेडर्स इज टू मेक अ विजिट टू द स्कूल बिल्डिंग, रिसीव्स विजिटर फ्रॉम द न्यू स्कूल, प्रिपेयर अ बुकलेट अबाउट द न्यू स्कूल, देयर इज नो बेस्ट वे फॉर सच ओरिएंटेशन। सही आंसर क्या होगा इसके लिए, इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा, मीनिंग यही है कि देयर इज नो बेस्ट वे टू फॉर सच ओरिएंटेशन, इस तरह की कि अभिविन्यास के लिए कोई भी सर्वोत्तम तरीका नहीं है कि जहां से ऐसा कहा जा सके कि शैक्षिक सीढ़ी में अगले चरण में परिवर्तन के लिए छात्रों को तैयार करने का कोई सबसे अच्छा फंडा, सबसे अच्छा तरीका या तकनीक जो है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस टीचिंग स्किल्स,
नीचे लिखी हुई हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन कौन सी टीचिंग स्किल्स हैं। ब्लैक बोर्ड राइटिंग है, क्वेश्चनिंग है, एक्सप्लेनिंग है, या ये सारे ही टीचिंग स्किल्स होती हैं। तो टीचिंग स्किल, जैसा कि हम सभी जानते हैं क्या है टीचिंग स्किल्स होती हैं, टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कोई भी टीचर जो है शिक्षण कौशलों का प्रयोग करता है। तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी है, क्वेश्चनिंग भी है, एक्सप्लेनिंग भी है। इट मीन्स कि ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त जितने भी लिखी हुई हैं वो सारी ही क्या है, टीचिंग स्किल्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग, लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज, लेक्चर मेथड इज वन वे प्रोसेस, ड्यूरिंग लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स आर पैसिव। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। सो जो सही नहीं है वो है लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग, लेक्चर मेथड से रीजनिंग को डेवलप नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे देखें, लेक्चर मेथड, मेथड का मतलब है व्याख्यान विधि, टीचर के द्वारा पढ़ाते समय जो व्याख्यान दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक तरफा ही हो जाता है, टीचर ही उसमें काम करता है, तो बच्चा बहुत ज्यादा दिमाग यूज नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 20 है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल, उच्च शिक्षा में पढ़ाने का या टीचिंग करने का, शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है। टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास एग्जामिनेशन, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन, टू मोटिवेट स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग लेक्चर। तो सही जो आंसर होगा वो होगा आपका टू प्रिपेयर टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन। बेसिकली हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं और उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर शिक्षण इसी तरीके का कराया जाए कि बच्चों में वो योग्यता डेवलप हो सके जिससे कि वो अपने डिसीजन जो हैं खुद ले सकें, या मीनिंग वो डिसीजन मेकिंग हो सकें। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इवैल्यूएशन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन को इंगित करता है, इवेल्युएशन मूल्यांकन। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट है, राम गॉट 45 मार्क्स आउट ऑफ 200, मोहन गॉट 38% मार्क्स इन इंग्लिश, श्याम गॉट फॉर फर्स्ट डिवीजन इन फाइनल एग्जामिनेशन। निम्नलिखित में से जितनी भी बातें स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इनमें कौन सी बात ऐसी है जो मूल्यांकन को प्रस्तुत करती है। तो सभी बातें हैं, मूल्यांकन हुआ है तभी इतना नंबर दिख रहा है, मतलब बच्चे को, राम को मिले 45-200 में से, मोहन ने 38% मार्क्स स्कोर किए इंग्लिश में, और श्याम गॉट फर्स्ट डिवीजन इन फाइनल एग्जामिनेशन। तो विदाउट इवेल्युएशन जो है ये तीनों स्टेटमेंट नहीं हो सकते हैं, तो ऊपरी उपरोक्त सभी में इवेल्युएशन देखने को हमें मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ किसका, एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ, एक सशक्त साधन है किसको लेकर के, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को है, या उपरोक्त सभी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसको लेकर के, यहाँ पर बात हो रही है एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, एक सशक्त साधन है किसका, सभी का। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी है, और तो हम कहेंगे ये सारी ही बातें हैं बेसिकली, अगर हम बात करते हैं किसको लेकर के, शिक्षा को लेकर के, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं परिवर्तन हम लेकर के आ सकते हैं, समाज को परिवर्तित किया जा सकता है मात्र शिक्षा के द्वारा, मीनिंग विचारों के द्वारा कहीं ना कहीं, जो कि शिक्षा से ही पॉसिबल हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर है 23 क्या है, अल्टरनेटिव एजुकेशन ऑल्सो नोन एज, या वैकल्पिक शिक्षा को और किस रूप में जाना जाता है, दैट इज फैमिली एजुकेशन, नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन और नॉन फैमिली एजुकेशन। अल्टरनेटिव एजुकेशन को हम और किस नाम से जानते हैं ये पूछा जा रहा है, तो अल्टरनेटिव एजुकेशन को हम और जो दूसरा नाम है दैट इज नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन, या फिर गैर पारंपरिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। 23 हो गया, नेक्स्ट देखिए 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, 24 अ टीचर गिव्स लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल ऑफ सपोर्ट हिज प्रेजेंटेशंस इन द क्लासरूम, दिस विल बी रिलेटेड टू विच लेवल ऑफ टीचिंग। मतलब यहाँ पर यह है कि कोई अध्यापक है, क्या करता है, एक अध्यापक
जो है या कोई अध्यापक है कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है, यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित हो जाएगा? तो डेफिनेटली किससे हो जाएगा? ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल है, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है और रिफ्लेक्टिव लेवल है। तो सही जो होगा वो होगा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो शिक्षण का बेसिकली द्वितीय स्तर कह सकते हैं, समझ का स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, अवबोध या समझ के स्तर के अंतर्गत ये आ जाएगी जो बात लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर है आपका 25। अ वर्कशॉप इज मेंट फॉर, जो वर्कशॉप होती है या जो कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, बेसिकली उनका मतलब क्या है, क्यों किया जाना चाहिए और क्यों होता है? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए किया जाता है, लिसनिंग टू स्कॉलरली लेक्चर्स के लिए किया जाता है, लर्निंग विथ इंटरेक्शन है, डिस्कसिंग ओवर वंस ओन वर्क है। तो जो सही आंसर होगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए ऐसा किया जाता है या होता है, अनुभव प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं वर्कशॉप का मेन मकसद है इसको लेकर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्या कह रहा है 26? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्नर्स लर्न विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स और डायग्राम? मतलब है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के शिक्षार्थी फ्लो चार्ट और रेखा चित्र की मदद से शिक्षा प्राप्त करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्नर्स लर्न विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट और डायग्राम? टेक्टाइल है, विजुअल है, ऑडिटरी है और रोट है। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा विजुअल या फिर दृश्यात्मक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। इन अ क्लासरूम एन इफेक्टिव लिसनर, एक इफेक्टिव लिसनर जो होगा, जो कि बड़े ध्यान से सुन रहा है किसी को, तो उसके वो क्या चाहेगा? ठीक है, रेसिस्ट डिस्ट्रैक्शन, सीक्स डाइवर्सेशन, प्रेफर्स मैसेज फिल्टरिंग एंड जज द मैसेज डिलीवरी स्टाइल। तो अगर कोई भी इफेक्टिव लर्नर होगा क्लास में, तो बेसिकली वो किसी भी प्रकार से अपने ध्यान को भंग नहीं होने देना चाहेगा, मतलब जो भी चीजें उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उन सभी चीजों को वो हटा देना चाहेगा अगर वो कक्षा में ठीक प्रकार से सुन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव डोमेन? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पे अगर आ जाते हैं हम, तो फिर है कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन की बात हो रही है। तो क्या है, कौन सा बेसिकली अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत नहीं आता है? रिसीविंग है, एनालाइजिंग है, वैल्यूइंग है और ऑर्गेनाइजिंग है। सही आंसर होगा आपका एनालाइजिंग। ठीक, एनालाइजिंग इसके अंतर्गत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सपोज एज अ टीचर यू आर ट्रेनिंग योर स्टूडेंट इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डेवलप अमंग द स्टूडेंट? या मान लीजिए एक शिक्षक के रूप में, अपने छात्रों को भाषण और वाद विवाद के माध्यम से प्रशिक्षण दे रहे हैं, निम्नलिखित में से छात्रों के मध्य किस चीज का विकास करना सबसे कठिन हो जाता है? ठीक है, मान लीजिए कोई भी शिक्षक है, अपने छात्रों को भाषण और वाद विवाद के माध्यम से प्रशिक्षण दे रहे हैं, निम्नलिखित में से छात्रों के मध्य किस चीज का विकास करना सबसे कठिन हो जाता है? सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज है, कंट्रोल ओवर इमोशन है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन है। तो सबसे सही हो जाएगा कंट्रोल ओवर इमोशन, मतलब टीचर कैन नॉट कंट्रोल ओवर इमोशन, मतलब अगर किसी भी स्टूडेंट के अगर के रेफरेंस में हम बात करें, किसी के भी रेफरेंस में अगर बात करें, तो हम किसी के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इम्प्लाइज यूज ऑफ वंस, मतलब विचारात्मक अभ्यास का तात्पर्य किसके प्रयोग से है? कॉग्निशन से है, मेटा कॉग्निशन से है? क्वेश्चन नंबर 30 है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इम्प्लाइज यूज ऑफ वंस, कॉग्निशन, मेटा कॉग्निशन, मेटा कॉग्निशन ऑन कॉग्निशन एंड री इन्फोर्समेंट ऑफ लर्निंग? तो सही आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? जो सही आंसर होगा सही आंसर हो जाएगा आपका मेटा कॉग्निशन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, क्या है? व्हेन दी लर्नर आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स आर इंश्योर्ड विद एम्प्लॉयमेंट, व्हेन दी लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स आर इंश्योर्ड
विथ एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेस रिसोर्सेज एंड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर एंड मोर इनिशिएटिव फॉर सेल्फ लर्निंग इज एविडेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल डिस्क्राइब द टीचर्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली. जब शिक्षकों की ओर से कम संसाधनों और प्रयासों को नियोजित करके छात्रों के अधिगम परिणामों को सुनिश्चित किया जाता है, कम संसाधनों के बाद भी जब सुनिश्चित हो जाता है अधिगम का परिणाम और स्वशिक्षण के लिए अधिक पहल होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति शिक्षक को सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित करती है? तो सबसे सही जो आंसर होगा, टीचर इज सक्सेसफुल, टीचर इज इफेक्टिव, टीचर इज इंटेलिजेंट एंड टीचर इज प्रैक्टिकल. तो सही बात जो हो जाएगी वो होगी आपकी, टीचर इज इफेक्टिव. ठीक है, प्रभावकारी है या प्रभावपूर्ण है या उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, जो कि कम रिसोर्सेस के साथ भी वो अच्छा रिजल्ट दे पा रहा है, मतलब बच्चों का अधिगम हो रहा है. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है. द यूज ऑफ टीचिंग एड इज द यूज ऑफ टीचिंग एड इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम, मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क. सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स या छात्रों के सीखने के परिणामों को अनुकूलित करना. तो द यूज ऑफ टीचिंग एड, जो टीचिंग एड का यूज टीचर के द्वारा किया जाता है, तो बेसिकली उसका यूज होता क्यों है? डेफिनेटली बच्चों को बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस जो है इसके द्वारा हो सकता है, जो भी टीचर बताना या पढ़ाना चाह रहा है क्लास में. अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 है. एजर्शन और रीजन को लेकर के, या अभिव्यक्ति और उसके कारण को लेकर के, तो क्या कह रहा है एजर्शन और रीजन? देखिए एजर्शन क्या है, द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज अमंग स्टूडेंट. बच्चों में क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करना, ये हायर एजुकेशन का क्या है उद्देश्य है. रीजन क्या है, बिकॉज दीज एबिलिटीज इंश्योर जॉब प्लेसमेंट. तो क्या ये सही है ये बात? ठीक, तो बातें अपनी जगह पर सही हैं दोनों ही, लेकिन जो रीजन है वो सही व्याख्या नहीं करता है. इट मीन्स कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. जो रीजन है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है. क्वेश्चन नंबर 34 है. ग्रेटर दी हैंडीकैप, ग्रेटर दी हैंडीकैप ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ग्रेटर दी डिमांड ऑन दी. ठीक है, मतलब यह शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों की बाधा जितनी अधिक होगी, मांग उतनी अधिक होगी. किसकी? मतलब यही है कि अगर कोई बहुत डिमांडिंग है, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा जहां पर बच्चे ज्यादा से ज्यादा आना चाह रहे हैं, तो ज्यादा डिमांड किसकी हो जाएगी? फैमिली, सोसाइटी, टीचर, स्टेट, डेफिनेटली टीचर की हो जाएगी. क्योंकि बच्चे अगर बहुतायत में कहीं पर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली डेफिनेटली डिमांड किसकी ज्यादा होगी, या काम किसका है वहां पर? टीचर का है. तो फिर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका सी. अगला क्वेश्चन है 35. व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. बात हो रही है सतत और व्यापक मूल्यांकन को लेकर के. तो सही क्या हो जाएगा? पहला लिखा है, इट इंक्रीजेस द वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट, इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड, इट इवेल्युएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया. तो एक्चुअली वर्कलोड नहीं बढ़ाता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, तो ये गलत हो जाएगा. उसके अलावा जितने भी ऑप्शन है वो सही है, मीनिंग बी सी एंड डी कहीं पर है, तो ये सही होगा. डी ऑप्शन देखिए, ये सही हो जाएगा. ठीक है, वर्कलोड नहीं बढ़ाता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन. ठीक है, तो ये पहला जो है ऑप्शन वो गलत होगा, और चीजें और बातें सही हैं. 36 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन. जो मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनके रेफरेंस में कौन सी बात सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है? दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन एसे टाइप क्वेश्चंस, दे आर मोस्ट सब्जेक्टिव देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, दे आर मोस्ट सब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, तो बेसिकली मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखा जाए तो सबसे सही माने जाते हैं कहीं ना कहीं.
कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी इनमें बहुत ज्यादा होती है, तो इट मींस कि दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज चेयरमैन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन एजुकेशन, जैक्स डेलर्स रिपोर्ट टू यूनेस्को वॉज टाइटल, किस टाइटल के या उसका टाइटल क्या था, किसका शिक्षा पर एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में जैक्स डेलर्स ने यूनेस्को को दी एक रिपोर्ट दी थी जिसके शीर्षक की बात हो रही, तो उस शीर्षक का नाम क्या था, उस शीर्षक का नाम था आपका लर्निंग द ट्रेजर विद इन, या सीखना एक खजाना भीतर का, मीनिंग कि भीतर से का मतलब यह है कि सीखने से का मतलब कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी भी उसके साथ डेवलप करती है। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग, किसी भी टीचिंग के लिए क्या सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, डायग्नोसिस है, रेमेडी है, डायरेक्शन है, फीडबैक है। देखा जाए तो ये सारी ही बातें, अगर हम एक अच्छे शिक्षण की बात करते हैं तो डायग्नोसिस भी चाहिए, निदान चाहिए, रेमेडी चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, फीडबैक चाहिए, तो आपके लिए जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब एक अच्छे शिक्षण में ये सारी बातें होनी आवश्यक हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी या संज्ञानात्मक अभिक्षमता की बात कहें या योग्यता की बात कहें तो क्या हो जाएगा, कब कहेंगे कि संज्ञानात्मक जो एबिलिटी है या कॉग्निटिव एबिलिटी है सबसे ज्यादा है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो, नोइंग है, अंडरस्टैंडिंग है, एनालाइजिंग है एंड इवेल्युएटिंग है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षमता का उत्तम स्तर होगा, तो सबसे उत्तम स्तर हो जाएगा आपका इवैल्यूएटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग, कौन से फैक्टर्स जो हैं टीचिंग को इफेक्ट नहीं करते हैं या इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं, टीचर्स नॉलेज है, क्लासरूम एक्टिविटीज दैट इनकरेजेस लर्निंग, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, तो कौन सी बात जो है वो शिक्षण को प्रभावित नहीं करेगी, तो नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिए 41 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पर कि विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टीचिंग एड स्टेटमेंट्स अबाउट टीचिंग एड्स आर करेक्ट, दे हेल्प इन रिटेनिंग कॉन्सेप्ट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग एड आर करेक्ट, ए बी सी डी सारे ऑप्शन बेसिकली सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं,
अगला क्वेश्चन है, अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस। जो अचीवमेंट टेस्ट होता है या उपलब्धि परीक्षण की अगर बात करें, कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेलेक्शन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर अ कोर्स, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ लर्नर्स एंड असाइनिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग। तो क्या हो जाएगा? सॉरी, असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग, मतलब शिक्षण के बाद बच्चों ने कितना सीखा है उसकी मात्रा का पता चल जाता है अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा, कितना सीख पाए हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, अ गुड टीचर इज वन हु, कौन है एक अच्छा शिक्षक? गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन है, एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स है, गिव्स प्रिंटेड नोट्स। गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट है, इंस्पायर स्टूडेंट्स टू लर्न, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने वाला जो शिक्षक होगा वही सबसे बेहतर शिक्षक कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कह रहा है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू लेक्चर मैथड, डेमोस्ट्रेशन मैथड, इंडक्टिव और टेक्स्ट बुक मैथड। मतलब शिक्षण के दौरान जब भी बच्चों को पढ़ाया जाता है तो अधिकतर बच्चों का पार्टिसिपेशन बेसिकली किस मेथड के थ्रू हम ज्यादा देख सकते हैं या हो सकता है, तो वो सही जो मेथड होगा दैट विल बी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अगला क्वेश्चन है 45, क्या कह रहा है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन वॉज स्टेटेड बाय एम के गांधी है, आर एन टैगोर है, स्वामी विवेकानंद है, अरबिंदो, श्री अरबिंदो। ठीक है, तो सही आंसर है स्वामी विवेकानंद ने बेसिकली ये बात कही थी कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही मौजूद पूर्णता की एक अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसीडर्ड एज, क्लासरूम जो कम्युनिकेशन होता है बेसिकली उसको हम कैसे मतलब ऑल्सो नॉर्मली कंसीडर्ड एज इफेक्टिव है, कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, इफेक्टिव एंड इफेक्टिव एंड सेलेक्टिव। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। 47 देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग, निम्नलिखित में से किसे प्रेरित शिक्षण का लक्ष्य माना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग, स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन है, मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, स्टूडेंट टेकिंग नोट्स है। तो क्या होगा, कैसे कहेंगे कि जो शिक्षण है वो प्रभावकारी है या उससे बच्चे प्रेरित हो रहे हैं? तो जब बच्चे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट्स आस्क के क्वेश्चन, बच्चे प्रश्न करते हैं जो कुछ भी पढ़ाया गया उसके रिगार्डिंग, तो हम कहेंगे कि शिक्षण क्या है, फलदायी भी है और फ्रूटफुल भी हो रहा है, मीनिंग उसका कोई प्रभाव हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, सबसे बेहतर मेथड कौन कहा जाएगा टीचिंग को लेकर के, लेक्चर है, डिस्कशन है, डेमोन्स्ट्रेशन है, नरेशन। तो सबसे जो बेस्ट मेथड होता है बेसिकली दैट विल बी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। 46 है, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ, डिसलेक्सिया एक कह सकते हैं एक रोग कहेंगे जिसे, तो किससे संबंधित है? नीचे जितनी चीजें लिखी हुई हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स है, बिहेवियरल डिसऑर्डर है, रीडिंग डिसऑर्डर है और राइटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, तो रीडिंग डिसऑर्डर से डिसलेक्सिया जो है वो एसोसिएटेड है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, विथ डिलीवरिंग लेक्चर इफ देयर इज सम डिस्टरबेंस इन द क्लास, अ टीचर शुड, टीचर को ऐसे में क्या करना चाहिए अगर वो लेक्चर दे रहा है और ऐसे में कुछ ऐसी डिस्टरबेंस होता है तो क्या करेगा? कीप क्वाइट फॉर अ वाइल एंड देन कंटिन्यू, पनिश दोज कॉजिंग डिस्टरबेंस, मोटिवेट टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टरबेंस एंड नॉट बॉदर ऑफ वट इज हैपनिंग इन दी क्लास। तो क्या करेंगे ऐसे में? सी ऑप्शन, मोटिवेट टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, जो कोई भी कारण बन रहे हैं डिस्टर्बेंस का क्लास में, मोटिवेट टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, जो भी जिस भी वजह से जो कारण दिखाई दे रहा है क्लास में डिस्टर्बेंस का, उनको मोटिवेट करना या उनको शिक्षा देने के लिए मोटिवेट करना या शिक्षा प्रदान या प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करना। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस हमने आज देखे।
चलिए तो ये ओवरऑल 50 क्वेश्चन हमने थोड़ा फटाफट देखने की कोशिश करी। दोबारा फिर से मुलाकात होती है आपसे कल। टिल देन थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, और अपनी प्रैक्टिस करती रहिए, एग्जाम चुके आपके करीब है। थैंक्स अबाउट।